दिस वॉज द सम वी वर डूइंग दैट इज द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ 3:2. ओके देन दे हैव द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट है डायरेक्टली इट विल कम इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. ओके नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. इट विल कम इन द लाइबिलिटी. बिल्स पेबल इट विल कम इन द लाइबिलिटी. बिल्डिंग वी विल पुट इट इन द एसेट. प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो इट विल कम इन द एसेट. स्टॉक हमारा एसेट में आएगा. स्टॉक इट विल कम इन द एसेट. डेटर्स जो हैं वो भी एसेट में आएंगे. बैंक एसेट में आएगा. फर्नीचर एसेट में आएगा. ओके इन दिस वे द फॉलोइंग बैलेंस शीट वी विल राइट इट डाउन द इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट इन द एडजस्टमेंट इट इज गिवन दैट वैसे हम लोग को क्या दिया होता था. कैपिटल दिया होता है या तो फिर गुडविल निकालना होता है. गुडविल दिया होता है तो कैपिटल निकालना होता है. लेकिन इन दिस सम बोथ बोथ आर दी गिवन. देखो 1 लाख दे हैव गिवन दैट द पार्टनर दैट न्यू पार्टनर मोहिनी इज ब्रिंगिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,40,000 एज द शेयर ऑफ द गुडविल. ओके बोथ शी इज कैरिंग. ओके दोनों ही लेके आ रही है. वो दोनों का अमाउंट दिया हुआ है. अभी इसमें देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है. ओके कशिश ये सब कंप्लीट करूं फिर लेट मी नो योर डाउट. ओके ये सब कंप्लीट करके यस सी अभी देखो हम लोग क्या करते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना निकालते हैं. लेकिन इसमें हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके तो हम लोग को इसमें निकालने की नीड नहीं है. हम लोग सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे. सेक्रीफाइस रेशो की फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओके तो वैसे करके आप निकाल सकते हो सेक्रीफाइस रेशो. सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा 1:1. ओके कॉस्ट टू डू यू वॉन्ट कि सेक्रीफाइस रेशो निकालू मैं. यस आंसर इन द चैट बॉक्स. मित्र मित्र ओके ओके इफ देखो निकाल के देखो. कल स्टूडेंट्स ने ही निकाला था. आप भी निकालो. कोई डाउट है लेट मी नो. ओके बिल्डिंग 1 लाख की है. यहाँ पे ऊपर 72,000 दिया हुआ है. दैट इज बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है. वैल्यू बढ़ रही है. तो जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना अमाउंट रिवैल्युएशन में आएगा. 48,000 जो है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है. ऊपर 60,000 दिया हुआ है. मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है. तो ये डेबिट साइड आएगा. रिवैल्युएशन की जितना कम हो रहा है ना. 60,000 माइनस 48,000 करोगे जितना कम हो रहा है उतना अमाउंट हम लोग रिवैल्युएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे. देन और क्या दिया हुआ है देखते हैं. आरडीडी दिया हुआ है. जस्ट वेट. हाँ आरडीडी दिया हुआ है 4,000. अब आरडीडी ऊपर देखोगे ना तो उन्होंने 2,000 ऑलरेडी लेस करके दिया है हम लोग को. ओके सी ऑलरेडी दे हैव डिडक्टेड 2,000. बाकी का 2,000 डिडक्ट करना है. तो पहले 2,000 आप लिखोगे ना रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखोगे. बिकॉज 4,000 हो गया. 2,000 था अभी 4,000 हो गया. तो नुकसान हो गया 2,000 का. और तो डेबिट साइड लिखोगे रिवैल्यूएशन के. और जब डेटर्स में जब इधर लिखोगे ना बैलेंस शीट में तो डायरेक्टली लेस करोगे 4,000 ही. ओके नाउ नेक्स्ट इज जस्ट वेट. नाउ नेक्स्ट इज बैंक एंड फर्नीचर. अगर उस पर कुछ है तो देखेंगे नहीं तो फिर उसको भी डायरेक्टली लिख देंगे. अगर नहीं है तो फिर ठीक है. अभी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है कि दे आर रिवैल्यूड एट 66,000. और ऊपर कितना वैल्यू है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 60,000. मतलब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए. ओके तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई. तो ये कहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. ओके तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा 6,000. ओके इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल. यस मिस यस एवरीवन. कौस्तुभ के अलावा और किसको किसको ऐसा है क्या नहीं आ रहा है आवाज. आ रहा मैम. ओके सोहम. आई थिंक सोहम इज देयर. सोहम चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. यस सोहम काइंडली चेक योर नेटवर्क कनेक्शन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ऑन ऑन दैट. ओके देखो 66,000 जो है हम लोग को नीचे बोला है. हम लोग की लाइबिलिटी बढ़ गई तो ये डेबिट साइड आ जाएगा एक.
कि हम लोग के जो क्रेडिटर्स थे वो 6,000 से बढ़ गए और हम लोग नीचे बैलेंस शीट में डायरेक्टली 66,000 ही लिखेंगे. ओके, सो दैट वॉज द अमाउंट. अब हम लोग ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. ओल्ड पार्टनर्स ने हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट जो है रखने का सोचा है. तो पहले आप लोग गुडविल को निकालोगे. गुडविल कितना है हमारा यहाँ पे 40,000. पहले 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद 20,000 का हम लोग देखेंगे. ओके, सी आई एम शोइंग यू, जस्ट वेट. देखो हम लोग का यहीं से कल बाकी था. ओके, देखो यहाँ पे मैंने इस बार आपके लिए जो बैंक अकाउंट है आई हैव ऑलरेडी मेड यू मेड कि आप लोग को जब यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश अकाउंट कैश लिखना पड़ता है ना, तो आपको कैश कैसे लिखना है. सी पहले तो आप गुडविल का जो था वो रिमेनिंग देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ से गुडविल की एंट्रीज है. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. देखो 40,000 वो लेके आ रही थी हम लोग के इसमें गुडविल लेके आ रही थी. तो जब गुडविल आ रही है तो बैंक से आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000. ठीक है, अब यही 40,000 जो है हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे. गुडविल अकाउंट डेबिट जो है गुडविल को हमेशा एसेट को होती है डेबिट एंट्री. तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर लेंगे उनके सेक्रीफाइस रेशो में. तो सेक्रीफाइस रेशो हमने कल निकाला था 1:1. तो 1:1 में 40,000 को डिवाइड करोगे तो 20,000 एंड 20,000 आंसर आ जाएगा. ओके, निकालू 40,000, देख लो एक बार. 40,000 इंटू 1/2. 1/2 मतलब हाफ. 40,000 का हाफ कितना होता है 20,000. तो माधुरी और मनीषा को मैंने कितना दे दिया 20,000. अब इनको इसको यहाँ कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. ओके, जस्ट वेट, ये देखो. सी गुडविल जो है हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. सी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इनका गुडविल जो है, ये 20,000 नीचे आएगा. ओके, 20,000 20,000, इज इट ओके एवरीवन? यस, राइट इट इन द चैट बॉक्स. देखो ये बैंक अकाउंट जो है ना, ये 1,00,000 जो है वो लेके आ रही थी कैपिटल, वो है बैंक अकाउंट. ये गुडविल है ना 20,000 एंड 20,000 ये अमाउंट नीचे आएगा, गुडविल में आएगा. ओके, हो सकता है डेस्कबुक में देख के आप ऐसे करो, लेकिन ये गुडविल का अमाउंट नीचे आएगा 20,000 20,000. ओके, नाउ नेक्स्ट दे हैव सेड दैट द पार्टनर्स आर गोइंग टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस और बाकी का जो है वो लेके जाएंगे. ओके, बाकी का लेके जाएंगे. सो कौन लेके जा रहा है? पार्टनर्स लेके जा रहे हैं. तो एंट्री कैसे होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर लेके जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. टू जा क्या रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है हमारे यहाँ से टू कैश अकाउंट. ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड से, देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड से टू कैश. तो यहाँ पे वो बैंक से लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे टू कैश के बदले टू बैंक लिखोगे आप. ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड से यू विल राइट टू बैंक अकाउंट. कितना लेके जा रहा है? हाफ. 40,000 का हाफ कितना होता है? 20,000. ठीक है, अब 20,000 को भी इनके रेशियो में डिवाइड करना है. 20,000 के कौन से रेशियो में? 1:1 में. ठीक है, 1:1 मतलब हाफ. 20,000 का हाफ 10,000. तो 10,000 एंड 10,000 विल बी अमाउंट इन दर कॉलम. माधुरी जो है वो 10,000 लेके जाएगी, मनीषा जो है वो 10,000 लेके जाएगी. इन दिस वे एंट्री विल बी कम. और ये हम लोग कैश में भी लिखेंगे. इज इट ओके? सबको समझ में आया? ये किसी को डाउट है? यस, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन कि आप लोग को ये बैंक अकाउंट बनाना है. इसमें जो बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा दैट विल कम इन द बैलेंस शीट एज अ कैश अकाउंट. ओके, वो ही आएगा इधर. नाउ ये जो है वो सारी की सारी बैंक के रिलेटेड एंट्रीज हैं, जो जो अमाउंट यहाँ पे आया है. इज इट ओके एवरीवन? शैल आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम?
also. These are the sum for your practice. इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे old ratio दिया हुआ है, C is admitted और उसका 1/4 ratio भी दिया हुआ है. Okay? Now you have to calculate the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio जो है आपको calculate करना है. Okay? See यहाँ पे A surrenders, B surrenders, that is the sacrifice ratio. Sacrifice ratio भी दिया हुआ है. Just you have to calculate the new profit sharing ratio. नेक्स्ट सम में है, आपको रेशो दिया हुआ है, आपको 1/5 शेयर दिया हुआ है, आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है. थर्ड सम में है, आपको रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है, सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है. इसमें पूरा कैलकुलेट करना था, न्यू रेशो से लेके बैलेंस ऑफ वन न्यू रेशो देन सेक्रीफाइस रेशो. इसमें डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशो करोगे उसकी फॉर्मूला लगा के. सो दीज आर द सम्स फॉर योर प्रैक्टिस एंड आई वॉन्ट कि आप लोग ये प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो द आंसर्स. ओके, टेल मी दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपको इस पूरे चैप्टर में है. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको चैप्टर में है. इसमें लेट मी नो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. यस, फर्स्ट का क्या आंसर है? Dash is the total profit upon number of years. Yes. See, these are the formulas that you have already done in this chapter. आपको ये formulas याद रखनी है तभी आप chapter को अच्छे से कर पाओगे. This is the formula of average profit. Average profit हमने जब निकाला था तब किया था ना, सारे profit को plus करके upon number of years. नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1,60,000. स्टॉक अंडर वैल्यूड है 20% से, तो उसका कितना वैल्यू होगा? मैंने आपको अंडर वैल्यूएशन कैलकुलेट करना भी सिखाया था. आई हैव टू taught you this, just wait, I'm showing you. See, हम लोग ने अंडर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला सीखा था. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूड इंटू 100. ओके, तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पे बुक वैल्यू कितना है? 1,60,000. ओके, 1,60,000 है अपॉन 100 माइनस, कितने से अंडर वैल्यू करना है? 20 से, तो 20 लिखो इनटू 100. ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. 1,60,000, 100 माइनस 20, 80 इनटू 100. ओके, नाउ कैंसिल द जीरोस, देन 8 वन्स आर एंड 8 टूज आर. तो 20,000 इंटू 10, व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 लाख. ओके,